हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नोको प्रिंट ऐप या 1000 प्रिंटर ऐप से अपने प्रिंटर को और मोबाइल को किस तरह से कनेक्ट करके और आधार कार्ड प्रिंट कर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नोको प्रिंट ऐप को कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल से OTG कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे मैं अपनी OTG लगा देता हूँ। OTG लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रिंटर का नाम नहीं दिखता है, देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, पूरा जो इंटरफेस आपको दिख रहा है क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप इसे करेंगे एक बार क्लिक। ठीक है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ आपको आपके प्रिंटर का नाम आ जाता है। मैं आपको देखिए बता दूँ, ये वाला आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा जैसे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से तो आपको यहाँ प्रिंटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, तो इस पर कर देंगे ओके, यानी कि आपका जो प्रिंटर है आपके मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से नॉट नाउ। ठीक है, अब जाएंगे बैक। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको आपके प्रिंटर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका प्रिंटर कनेक्ट हो चुका है आपके मोबाइल से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक आधार कार्ड है, इसको मैं आपको प्रिंट करना बताऊँगा कि एक ही पेपर पर आधार कार्ड को किस तरह से प्रिंट करेंगे, कलर या ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक आधार कार्ड ले लेता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर से इस देखिए जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है। शेयर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको जितने भी जहाँ भी शेयर करना है वहाँ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रिंट करूँगा। तो देखिए, मैं नोको प्रिंट या 1005 OTG प्रिंटर ऐप में किसी में भी इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके आधार कार्ड का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। पहले तो मेरे को इसका साइज़ छोटा करना है। यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, साइज एंड लेआउट। साइज लेआउट के बाद में आपको इमेज साइज वाला जो ऑप्शन मिलता है उस पर करेंगे आप क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सबसे सेकंड लास्ट वाला 6x9 cm इस पर कर देंगे आप क्लिक। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे आपको आपके आधार कार्ड का जो साइज़ है वो मिल जाता है। अब देखिए, इसकी पोजीशन सेट करनी है। पोजीशन सेट करने के लिए फिर से आप उसी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइज एंड लेआउट ऑप्शन, इसमें जाने के बाद फिर से आप पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद आपको सबसे टॉप मिडिल ये वाला ऑप्शन रखना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए अब आपका आधार कार्ड कहाँ चला गया, सबसे ऊपर। ऊपर जाने के बाद अब देखिए, अगर आपको कलर निकालना है या ब्लैक एंड वाइट निकालना है, फिर से आप उसी ऑप्शन में जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग जाने के बाद आप पेपर एंड प्रिंटिंग ऑप्शन, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है आउटपुट कलर। अगर आपको कलर प्रिंट निकालना है तो कलर पर क्लिक करेंगे, अगर ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो मोनोक्रोम। ठीक है, जैसे कि मेरे को अगर जैसा भी आपको प्रिंट करना है आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कलर से कलर और मोनोक्रोम से ब्लैक एंड वाइट। तो देखिए मैं निकालता हूँ ब्लैक एंड वाइट और यहाँ से कर दूँगा मैं प्रिंट। तो देखिए जैसा मेरा प्रिंटर इससे कनेक्ट है, तो देखिए आप देख रहे हैं अभी चलेगा, प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये आपका आधार कार्ड प्रिंट होके आ गया है। अब मेरे को इसी के नीचे यहाँ दूसरा पेपर लेना है, यानी दूसरा साइड लेना है इसी के नीचे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड का जो पेपर था वो ऐसे ही इसमें फिर से आपको लगा देना होगा। ठीक है, अब फिर से चलते हैं उसी सेटिंग में। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है मैसेज, तो इसे कर देंगे ओके नॉट नाउ। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाला, इसका पार्ट जो होता है ये वाला, इस पर ठीक है क्लिक करने के बाद फिर से आप 3 डॉट पर जाएंगे, ऊपर शेयर। ठीक है, नीचे से आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने प्रिंट में ओपन करेंगे। अब देखिए फिर से ऊपर आ रहा है, यानी कि ये उसी के ऊपर आ जाएगा, इसलिए हमें रखना है आप किस जगह पर, मिडल में यहाँ। तो देखिए आप फिर से आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद साइज एंड लेआउट ऑप्शन, साइज एंड लेआउट में आने के बाद पोजीशन, पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है सेंटर वाला, इस पर कर दें क्लिक और ओके। ठीक है, अब देखिए आपका जो जो प्रिंट है कहाँ आया है, मिडल में। ठीक है, अब फिर से आप कर देंगे इसे प्रिंट। देखिए मैंने प्रिंट कर दिया है, अब देखिए प्रिंटर आपका स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपना आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं एक ही पेपर पर ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दोस्तों। थैंक यू सो मच।